आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के सिवनी को शिव की नगरी कहा जाता है। शिव की नगरी ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये हम आपको जो दिखा रहे हैं, सिवनी के करीब दिघोरी जो पितृधाम है जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का, वहाँ जो देवालय बना हुआ है उसके हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। ये देवालय पितृधाम में दिघोरी में बना हुआ है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का जन्म 2 सितंबर 1924 को सिवनी जिले में हुआ था और जगतगुरु के द्वारा 11 सितंबर 2022 को समाधि ली गई। वे आध्यात्मिक गुरु रहे, जगतगुरु रहे, शंकराचार्य रहे और सिवनी के लिए एक बहुत बड़ी विभूति माना जा सकता है। 9 वर्ष की आयु में उनके द्वारा घर का त्याग कर धर्म यात्राएं आरंभ कर दी गईं। इस दौरान वे काशी पहुंचे और उनके द्वारा ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री महाराज के से वेद वेदांग शास्त्रों की शिक्षा ली। 1950 में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने दंड संन्यास की दीक्षा इन्हें दिलाई और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से आप पहचाने जाने लगे। इसके पूर्व माता पिता ने आपका नाम पोथीराम रखा था। आप स्वतंत्रता संग्राम में भी आपका भागीदारी रही। ये तब समय तब का था जब भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने की लड़ाई चल रही थी और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया जा रहा था। तब जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 19 साल की आयु में वे क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस दौरान उन्होंने वाराणसी की जेल में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा भी काटी। वे करपात्री महाराज की राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा साईं बाबा की पूजा के करने का विरोध उनके द्वारा किया गया। साईं बाबा को वे उनके द्वारा पूजन का विरोध जबरदस्त तरीके से किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साईं न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के दिघोरी में उनका जन्म उत्सव मनाया गया। हरतालिका तीज के अवसर पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए हर साल हरतालिका तीजा के अवसर पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज लाखों करोड़ों उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा इस्कॉन का भी कहीं ना कहीं विरोध उनके द्वारा किया गया। उनका ये मत था कि इस्कॉन भारत में आकर कृष्ण भक्ति की आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इस्कॉन के लोग ये अंग्रेजों की कूटनीति है और हिंदुओं का ज्ञान लेकर हिंदुओं को ही दीक्षा देकर उन्हें अन्य धर्म में शामिल किया जा रहा है। इस तरीके की बात भी जगतगुरु के द्वारा कई बार कई अवसरों पर कही गई। दिघोरी में ये देखिए नाचते गाते ग्रामीण आपको दिख रहे होंगे। जगतगुरु के जन्मोत्सव पर दिघोरी धर्ममय हो गई। वैसे तो हर साल दिघोरी जगतगुरु के जन्मोत्सव पर उनके अवतरण दिवस पर धर्ममय होती आई है। दिघोरी में 12 महीने वैसे तो धर्मपरायण लोगों का तांता लगा रहता है। यहाँ बहुत बड़ा स्फटिक का शिवलिंग भी है जगतगुरु के जन्मोत्सव पर। देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर
साज सज्जा की गई है और उनकी शोभा यात्रा यहाँ पर निकलते हुए दिख रही होगी। समाचार एजेंसी इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से पूजन पाठ का आयोजन भी किया गया। सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी दलों के, राजनीतिक दलों के यहाँ पर आपको नुमाइंदे भी दिख रहे होंगे। स्थानीय विधायक भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। सबके द्वारा जगत गुरु के जन्मोत्सव के अवसर पर उनका पादुका पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी जिले जिसे शिव की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ की पावन धरा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के अवतरण से अपने आप को धन्य मानती आई है। यहाँ दिघोरी में जगत गुरु का पादुका पूजन, उनकी पादुकाओं को देखिए, यहाँ पर उनका पूजन चल रहा है और पूजन करने के उपरांत उन्हें स्वच्छ कर, निर्मल और स्वच्छ कर, साफ सुथरा करते हुए आप देखिए यहाँ पर पहुंचकर उनकी पादुकाओं को यहाँ रखा जा रहा है। अगर आप दिघोरी जाना चाहते हैं, दिघोरी में पितृधाम और सिवनी जिले में ही जगत गुरु की माता जहाँ थी वो मातृधाम सिवनी से छिंदवाड़ा मार्ग पर स्थित है और दिघोरी सिवनी से जबलपुर मार्ग पर स्थित है। अगर आप जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की माता जी और पिताजी के धाम जाना चाहते हैं तो पितृधाम और मातृधाम पहुँचने के लिए आप सिवनी पहुँच कर वहाँ जा सकते हैं। देखिए अब हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं स्फटिक का शिवलिंग, कितना बड़ा शिवलिंग है स्फटिक का, कितना वृहद शिवलिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके के स्फटिक के शिवलिंग अमूमन दिखाई नहीं देते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।